आज विशाल मेगा मार्ट में सेल लगी है तो मुझे जाना है। और मेरा ये भी कहना है कि जहाँ कहीं भी सेल लगी हो तो लेडीज़ को भागते हुए जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो ये कहना है मेरे हस्बैंड का, ये कहते हैं तेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए तू भागी भागी जाती है घूमने फिरने के बहाने, ठीक है ना। तो आज जैस्मिन का ओरिएंटेशन चल रहा है कॉलेज में, उसका फर्स्ट डे है तो वो वहीं पे है। अभी मुझे उसको पिक करने जाना है, पहले उसको पिक करने के बाद मैं सोच रही थी कि चक्कर लगा के आऊँगी विशाल मेगा मार्ट का, देख के आऊँगी क्या सेल हो रही है वहाँ पे, कैसी सेल लगी है। कई बार हमें चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, क्वालिटी का कुछ कह नहीं सकते कि कैसी क्वालिटी होगी। नहीं भी कुछ लिया तो घूम फिर आएंगे, एक आउटिंग हो जाएगी, और कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले भी लेंगे, उसमें क्या है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच। तो उदय के टिफ़िन के लिए आज मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता, और रिक्वेस्ट भी थी कमेंट सेक्शन में कि एक वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैंने वो रिकॉर्ड भी किया था। तो जब तक मैं खाना खा रही हूँ आप उस रेसिपी को देख लीजिए एक बार कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि जब भी हम मिल्क ऐड करते हैं उसमें तो लम्स बन जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे कि लम्स नहीं बनेंगे। तो जब तक आप वो रेसिपी देखते हैं तब तक मैं खाना खा के जैस्मिन को पिक करती हूँ, और फिर मिलते हैं हम सीधे विशाल मेगा मार्ट। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करने के लिए रखेंगे, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट, थोड़ी देर इसको बॉईल होने देंगे, और दूसरी तरफ हम सब्जियों को सॉटे करेंगे। अपनी पसंद की सब्जियां आप डाल सकते हो इसमें। सबसे पहले आपने थोड़ा सा गार्लिक डालना है कट करके, मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बेटा जो है वो पसंद नहीं करता गार्लिक वाला पास्ता, तो इसलिए मैंने सब्जियों को पहले सॉटे कर लिया है। सब्जियों को सॉटे करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे अब थोड़ा सा मैदा, और मैदे को थोड़ा सा भूनेंगे, आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। अब यहाँ पे लम्स बन जाते हैं, और लम्स ना बने उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एग बीटर। इससे मैं अच्छे से इसको बीट करती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, तो ये लम्स नहीं बनेंगे। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं ये पास्ता जो है वो सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए आराम से कट रहा है, तो ये सॉफ्ट हो गया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं। आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें जब ये बॉयल प्रोसीजर पे हो, तो उसके बाद हम इसमें वेजेस डाल देंगे। और दूसरी तरफ पास्ता को किसी छन्नी में निकाल के उस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि वो आपस में स्टिक ना हो। व्हाइट क्रीम सॉस में हमने सब्जियां ऐड कर ली हैं, और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, और सीजनिंग है ये ओरिगेनो, और चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने, ब्लैक पेपर डाला है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जितना आपका बच्चा या आप पसंद करते हो। तो उसके बाद मैंने पास्ता इसमें ऐड किया, तो बस ये रेडी है। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है, खासकर अगर हम क्लोथ्स की बात करें, और अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार वो सारी चीज़ें हमारी बजट के अंदर नहीं होती हैं, हम डेली इतने महंगे महंगे कपड़े बाय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि कपड़े हमारे बजट के अंदर हों और देखने में भी अच्छे लगें, तो उसके लिए विशाल मेगा मार्ट स्टोर मुझे थोड़ा ठीक लगता है। क्वालिटी वाइज मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी ही होगी, कई बार कपड़ा अच्छा भी नहीं निकलता है, तो बट ये है कि आपको वैरायटी मिल जाती है चेंज करने के लिए, आपको डेली नए नए कपड़े मिल जाते हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम्स भी होती हैं, और आप देख सकते हैं टॉप्स मैंने जो आपको दिखाए हैं 199, जो 299 का टॉप है वो 199 में मिल रहा है, तो आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। सस्ती सस्ती शॉपिंग करवाई, मतलब टोटली सस्ती वाली शॉपिंग, मैं तो मैं भी करूँगी सस्ती सस्ती, इतनी सारी कर लूँगी कि मतलब बहुत महंगा हो जाएगा। I like this. ये तो को आ जाएगा फिट, क्यों नहीं आएगा, एक्सक्यूज मी व्हाट डू यू मीन, इसका स्टफ नहीं है जैसे मेरे को अच्छा ना, वो तो गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा इसमें, हाँ ट्राई कर लो। खाना इट इज लुकिंग नाइस, सिंपल है,
ये वो नीचे उसकी वो लगेंगे, कुर्ती टाइप है ये। नहीं नहीं हाँ विच इज स्लिट्स हैं। सकते हैं यहाँ पे आपको हर तरह की जीन्स टॉप्स कुर्तीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, तो मैं प्राइस आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। मैंने बहुत बार शॉपिंग की है यहाँ से, मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है यहाँ से। यूज़ एंड थ्रो वाली बात होती है क्योंकि क्वालिटी का मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। अगर आपने एक सीज़न भी पहन के कपड़े को फेंक दिया तो भी उतना दुख नहीं होता है क्योंकि बहुत सस्ते कपड़े होते हैं और आपके पास वैरायटी ऑफ क्लोथ भी हो जाते हैं पहनने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि टोकन लेके ही ट्राई रूम में जाएं, तो ना तो यहाँ पे कोई टोकन था और ना ही टोकन देने वाला। ये क्या लग रही है? नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा। वाओ इट्स लुक्स नाइस। इसको नीचे भी कर सकते। ये कितना लूज है यार, स्लिम होना। और मैडम ये तूने उल्टा पहनना है। ओ अच्छा, तो ये मैं सोचा थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। चलो करो चेंज जल्दी। मैं स्लिम होना काफी लूज है मुझे। या यू आर सो स्लिम। इसमें अच्छी लग रही है ना। चलो ये ठीक है ना साइज। चलो क्यों इतना अच्छा तो लग रहा है, कलर भी इतना प्यारा लग रहा है। शो मी। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब ठीक लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है वैसे, है ना? ये ठीक है, ठीक है ना? ये जैस्मिन यहाँ पे खड़ी है लाइन में बिलिंग के लिए, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है यहाँ पे। अब हम जिस भी स्टोर में जाते हैं आजकल शॉपिंग के लिए, तो थोड़ा देखने में ये ख़राब लगता है कि 10 काउंटर्स होंगे बिलिंग के लिए, लेकिन बिलिंग करने के लिए लोग जो होंगे वो वही 2-3 होंगे, और कस्टमर्स को आधा आधा घंटा लाइन में खड़े रह के बिलिंग करवाने के लिए वेट करनी पड़ती है।